आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वोम हीलिंग। मेरा नाम मोनिका अहलूवालिया है और मैं ग्रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हूँ। प्लस मैं बहुत सारी और हीलिंग मोडेलिटीज सिखाती हूँ, जिसमें कि आजकल ऑफकोर्स शमानिक शमानिज्म पे मैं सिखा रही हूँ कोर्सेस। एंसेस्टर हीलिंग पे मैंने कोर्सेस लिए हैं और वोम हीलिंग का भी कोर्स लिया है। उसके अलावा ऑफ कोर्स एज वी आर ऑल इनटू हीलिंग मोडेलिटीज, सो आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपिस्ट एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो ये मेरा छोटा सा परिचय हुआ अपने बारे में। ऑफ कोर्स मैं आप सबसे आपका परिचय नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन हम इस पे हम एक दूसरे से जरूर बातचीत करेंगे। पर उससे पहले आई नो आप सब उत्सुक हैं कोर्स के बारे में जानने के लिए या कोर्स के बारे में समझने के लिए, तो इसके लिए हम स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं। ओके, सो अब इसमें आई वुड लाइक थोड़ा इंटरेक्शन हम लोग करेंगे, सिर्फ मुझ तक ही सीमित नहीं रहेगा, हम दोनों हम सब इन्वॉल्व होंगे। सो जब आप हम वोम की बात करते हैं, राइट, तो आपके हिसाब से वोम क्या है? वोम क्या है मतलब हम वोम बोल रहे हैं, वोम वर्ड डेफिनेशन ही नहीं मैं मांग रही, पर आपके हिसाब से वो क्या है? संदीप जी आप बताइए, क्योंकि आप आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो व्हाट द मेल मेंबर्स से अबाउट इट, या क्या वो क्या उनके उनके हिसाब से वो क्या चीज है, या किस ऑर्गन को या किसको हम वूम कहते हैं? संदीप जी आप सुन रहे हैं? संदीप जी है, कौन है? संदीप जी है ना? ओके, सुप्रिया यू व्हाई डोंट यू स्पीक? व्हाट यू फील, व्हाट इज अ वूम? आई नो यू आर नॉट मैरिड, यू आर स्टिल सिंगल सिंगल रेडी टू मिंगल, बट फिर भी हम सब की तो उपज तो वूम से ही हुई है। फैमिली वूम इज अ प्लेस वेयर अ ब्यूटिफुल फॉर्मेशन कैन हैपन, समथिंग कैन बी क्रिएटेड, एंड वूम इज अ प्लेस दैट स्टोर्स दैट प्रोटेक्ट्स एंड दैट सिक्योर्स एंड दैट प्रोवाइड्स। ओके, वेरी गुड। सो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज आपने वूम की बताई। इट्स अ सिक्योर्ड प्लेस, मतलब एक सेफ जगह, राइट। इट प्रोटेक्ट्स, मतलब उसमें ये ताकत है कि वह रक्षा कर सके, वह जीव को, क्योंकि इसमें जीव है, उसमें लाइफ है, और इसका मतलब लाइफ सिर्फ उसी समय नहीं है जबकि उसके अंदर किसी जीव का निर्माण हो रहा है, पर वह हमेशा लाइफ है ना, राइट। तभी हमारे सब ऑर्गन्स जो हैं वो कोई ना कोई फंक्शन करते, अलग अलग फंक्शंस करते हैं, राइट। हृदय जो है, हृदय हृदय का फंक्शन क्या है हेमंत जी? हृदय से आप क्या करते हैं? आपकी आपकी आवाज बंद है। नहीं, आई शायद अभी भी आपकी आवाज आपने म्यूटेड है। ठीक है, जो हमारे हृदय की धड़कन है वो दिल धड़कता है, और दिल धड़कना बंद कर दे तो इंसान जीवित नहीं रहेगा। हम श्वास लेते हैं, बहुत से हर ऑर्गन कुछ ना कुछ कार्य करता है, कुछ ना कुछ क्रिया करता है, और हमारी मशीनरी को फंक्शन करने में मदद करता है। ऑफकोर्स वोम का स्थान जो है आप सब जानते हैं, तभी शायद वोम की गर्भाशय गर्भ, ग्रेट, गर्भाशय यस, हाँ। तो वहां पे गर्भ का गर्भ है जो जहां पर जीव जीवन का निर्माण होता है। भूमि यानी गर्भाशय बोल सकते हैं। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, राइट। लेकिन वोम सिर्फ वो नहीं है जहां पे हम बच्चे की एक थैली या बच्चा को होल्ड करता है या प्रोटेक्ट करता है। वोम की पोजीशन ऐसी है जो कि हमारे सेक्रल चक्रा के इधर आती है, और अगर हम देखें तो हमारे सेक्रल चक्रा का जो मेन फंक्शन या उसका वो है
बच्चे के समय नहीं होती है, बल्कि कोई भी प्रकार के विचार, थॉट प्रोसेस, कोई भी आइडियाज, कोई भी चीज का निर्माण वो यहाँ से होता है। उसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर है, राइट? सो हमारी वो पावर है, क्योंकि ये एक तरह से आपको शक्ति प्रदान करती है, तभी तो उसमें ये ताकत है टू प्रोटेक्ट, और वो ही हमारी जो हम कहते हैं या जो बोलते हैं, राइट? भले ही हम बोलते या हमारा जो आवाज है वो हमारे थ्रोट चक्रा के इधर से आती है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसको बोलने की जो ताकत है, वो हमारे वूम में है। तो हमारा वूम है जो हमारी सारी ड्रीम्स, क्रिएटिविटी, एक तो वूम का जो सराउंडिंग है और वूम के एरिया जो है, उस उधर उसका एलिमेंट है वॉटर। तो पानी जब वो उसका एलिमेंट होता है, तो ऑब्वियसली उससे उसके सारी इमोशनल जो क्वालिटीज हैं वो भी हमको उसके द्वारा मिलती है, राइट? तो जो क्रिएटिविटी है या ड्रीम्स हैं, ये सब क्या है? ये एक तरह से आपकी सोच है, विचार है, आपके थॉट प्रोसेस हैं। ये आप किस तरह से आप इमेजिनेशन कर सकते हैं ना, इमेजिन करते हो, राइट? सो वो वाटर, मून एंड ब्लड, अगर ये सब चीजें देखें तो ये सब कनेक्टेड है। किस तरह से? क्योंकि वो के अंदर पानी है, पानी उसका एलिमेंट है। हमारी पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो मेजोरिटी, मैक्सिमम हमारा शरीर पानी का है, पानी है, उसके पानी तत्व है। ब्लड भी एक पानी का ही फॉर्म है। और अगर आप मून देखो, तो मून जो है वो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स फीमेल साइड को तो दर्शाता ही है। हम उसको मून का जो इन्फ्लुएंस है पानी के ऊपर आप देख सकते हो, तभी हम मून के हिसाब से जो वेव्स हैं, वाटर की, ओशन की वेव्स हैं, वो उनके ऊपर उसका प्रभाव होता है, राइट? तो मून का हमारी बॉडी के ऊपर भी प्रभाव होता है। मून जो है वो बढ़ता है, एक स्टैटिक नहीं रहता है, एक एक इसमें नहीं रहता है, उसकी शेप्स चेंज होती हैं, वैक्सिंग और वेनिंग उसकी पद्धति है। उसी हिसाब से पानी के भी स्टेट्स चेंज होते हैं। आप पानी को चाहो तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में रख सकते हो, आप उसको जमा दो तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, राइट? अगर वेपर उसको हवा के उससे उसको आग पे रखो तो वो इवन वेफर्स के फॉर्म में भी चला जाता है, राइट? सो वाटर ऑल्सो चेंजेस, मून ऑल्सो चेंजेस, फ्लूइड्स जो हमारी बॉडी में है उनका भी बदलाव होता रहता है, राइट? सो एवरीथिंग इज इन दिस वे इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द मून। सो इसीलिए मून हीलिंग का कहीं ना कहीं हम कि हमारी जो मून से हम वो चीजें भी सीखते हैं, जहाँ पे शीतलता है, हमें इमेजिनेशन है, मेडिटेटिव पावर्स हैं, मैनिफेस्ट करने की है, हम करते हैं मून मेडिटेशंस एंड ऑल, राइट? सो वो जो गर्भशाला जो है हमारा, वो एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन तो है ही, पर उसके और हमारा सेंटर ऑफ फेमिनाइन एनर्जी है, हमारा थॉट क्रिएटिव है। तो ये एक सिर्फ फिजिकल ऑर्गन नहीं है, क्योंकि हम जब जो भी चीजें देखो, जब हम कह रहे हैं ना, जैसे आपने कहा, सुप्रिया ने बताया कि वूम है जहां पे हम हर चीज, प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक सेफ चीज है, एक सिक्योर चीज है। तो हम अपनी चीजों को कहाँ संभाल के रखते हैं? अगर हमको कोई घर में कोई चीजों को अपनी रखनी हो, तो हम उसको एक सिक्योर लॉकर में रख देते हैं, जिस तक कोई पहुंच नहीं सकता, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई खोल नहीं सकता, राइट? उसी तरह से वो हमारे अंदर एक ऐसी जगह है जहाँ के हम अपने सारे विचार, हमारे को जो भी एंजाइटीज, थॉट्स, जो भी प्रेशर पॉइंट्स या जो भी ऐसी सबकॉन्शियस माइंड की चीजें हैं, वो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने रूम के अंदर उसको एनर्जेटिकली दबा के रखते हैं, राइट? तो जब हम उसको यहाँ पर स्टोर करते हैं, क्योंकि एज वी प्रोग्रेस, तो हम हमारे जीवन में बहुत से इवेंट्स होते हैं, हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं, टीनेजर है, वहां पर हम एक्सपीरियंस करते हैं चेंज इन आर बॉडी, चेंज इन आर हार्मोन्स, चेंज, वी स्टार्ट विद अ न्यू साइकिल,
राइट वो हमको उसमें पेनफुल साइकिल्स होती हैं, जो जिसका पेन का इफेक्ट हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत बार रिजेक्ट भी करते हैं अपने वूम को, हमको बहुत गुस्सा भी आता है अपने आप से, हमको लगता है हम फेमिनाइन है, हम फीमेल है, क्यों हमको ये सब दुख सहना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम वो उम्र में पहुंचते हैं जहां पर के हम आगे का जीवन जीव को ला सके जीवन में, तो हम अगेन दिस यूट्रस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वो एक्सपैंड होता है उसके हिसाब से कि वो चीज को होल्ड कर सके, और फिर अगेन वी एक्सपीरियंस लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ टर्मोइल, लॉट ऑफ चेंजेस, लॉट ऑफ प्रेशर्स। सो ये ऑफ कोर्स जस्ट हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता है, एक्सपीरियंस ऑफ हमारी माँ ने जो किया, उनकी माँ ने जो किया, या उन सब कितनी सारे लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया। आपको मालूम है हम वूम के थ्रू कनेक्टेड होते हैं थ्रू आर लीनेज, राइट? सो कहीं ना कहीं थ्रू दैट कॉर्ड, थ्रू द अम्बेलिकल कॉर्ड, वी आर रिसीविंग ऑल द इंफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस हमारी मदर ने की, राइट? सो एक तरह से ये एक जंक ड्रॉर है जहां पे आप सारी चीजों को स्टोर कर रहे हो, सारी चीजों को रख रहे हो। ओके नाउ इसमें जैसे कि हमने ने बात की कि बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो स्टोरीज हैं बहुत सारी बूम की जो उसके अंदर स्टोर है, पर हमें हमारे पास टाइम कहाँ है कि हम कभी अपनी बूम स्टोरीज को सुने या उन पर ध्यान दें या उससे बात करें, राइट? बहुत बार हम अपने हृदय के ऊपर तो हाथ रख लेते, हम बोलते हैं कि हाँ हृदय को देख लूं, हृदय की साउंड को सुन लूं, या हम अपने ब्रेथ को ध्यान देते हैं, लेकिन कितने लोग हैं उनमें से कि हम बूम पे ध्यान देते हैं। ऑफ कोर्स एक्सेप्ट फॉर मेडिटेशन हम कभी कभी करते हैं तो हम बेली ब्रीदिंग या हम उस तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम ये भूल जाते हैं कि ये एक अंग है जिसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए और बहुत कुछ सहा है हमारे लिए, जिसका हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है ना, राइट? सो अगर हम उसकी बातों को सुनेंगे और जहां पर हमारे जो भी अंग, हमारे जो भी चीजें अटकी हैं, और उसको रिलीज करेंगे, उसको हम समझ के उसको बाहर निकाल पाएंगे, तो हम अपने आप में कंप्लीट पाएंगे, अपने आप को सक्षम पाएंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट पाएंगे। सो इसके लिए वोम हीलिंग करना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो वोम हीलिंग में हम लोग क्या करेंगे, आप वोम से कनेक्ट करते हो, आप वोम को क्लियर करते हो उसकी मेमोरीज को, और उसको एक्टिवेट करते हो जिससे कि वह फिर से एक नई उजागरता उसके अंदर आए, एक नई तरह की जागृति हो, और फिर उसको रीप्रोग्राम भी कर सकते। ओके सो यहाँ पर जब हमारे वूम के अंदर, क्योंकि कोई भी ऑर्गन जो है जब वो बहुत समय तक कार्य में नहीं होता है, या वो उसका उसकी तरफ हमारी ध्यान कम हो जाता है, हमारा उसकी तरफ देखना बंद हो जाता है, तो कहीं ना कहीं देखो आप हेल्थ चेकअप के लिए जाते हो, राइट? आप अपने हार्ट का चेकअप कराते हो, आप अपने लंग्स का चेकअप कराते हो, डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होती हैं जो चेकअप करती हैं, आपका होमोग्लोबिन है, ब्लड का है, वो हम हार्डली चेकअप कराते हैं, राइट? दैट बट देर इज अ स्टोर्ड एनर्जी इन इट जो कि लो फ्रीक्वेंसी में चली जाती है क्योंकि उसका ध्यान नहीं दिया जाता। सो उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए, सो दैट न्यू टिश्यू विल डेवलप, न्यू सेल्स, देयर विल बी अ न्यू काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन। और जब आप वूम हीलिंग करोगे आप देखोगे कि आप अपने दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल, आपका दिमाग ज्यादा तेज हो जाएगा, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाएगी, आप हर चीज में खुशी पाओगे, सुख पाओगे, एंड यू विल फील मच बेटर वेन यू, बिकॉज इट्स लाइक केयरिंग फॉर वन सेल्फ, केयरिंग फॉर वन ओन लाइफ। Thank you.